इधर कंपनियां की बस खड़ी होती है, सुबह में हम लोग जाते हैं ठीक है इधर से, और ये एक वकाला है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग यहाँ से लेते हैं, और ये कैंप है, और ये एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है जिसपे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ज़्यादातर अरबी लोग खेलते हैं, हम सम टाइम खेलते हैं, कोई भी खेल सकता है, आप लोग भी खेल सकते हो इधर ठीक है। और ये छोटा सा मस्जिद है इधर कैंटीनर वाला, इस तरीके से बना हुआ जैसे कि मदरसा वगैरह है। ये देखो फुटबॉल इधर रखा हुआ है ग्राउंड से अलग। इस तरीके से बहुत सारे जगह हैं इस तरीके छोटे छोटे बने हुए हैं। ये कृष्णा है नेपाल से। दमाव नहीं जाया? दमाव नहीं गया? ये वॉशरूम है इधर ठीक है, और ये कपड़ा धोने के लिए लॉन्ड्री है, इधर कपड़ा धोते हम लोग। और सामने जो है बन रहा है अभी नए लोगों के लिए कैंप, ये जगह है एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए, और इधर कपड़ा सुखाने के लिए इधर रस्सी बंधा हुआ है ठीक है। एक खजूर का पेड़ है, ये एरिया में रूम है, इधर सब कपड़ा जूता वगैरह है ठीक है। और ये संतरा का पेड़ है, संतरा भी फला हुआ है मेरे रूम के आगे है ये तो। ये वाला हमारा रूम है, इसके अंदर C111, इधर किचन खाना बनाने के लिए, और इधर है खाली एरिया, आप आके बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सब कैंप सब रूम में ये जो लास्ट वाला एरिया होता है वो किचन का होता है, और जो नए लोग आ रहे हैं उसके लिए सेम बिल्डिंगें बन रही हैं इधर ठीक है। आज जुमा इसलिए सब घूम रहे हैं, ये बन रहा है, और इसके आगे वर्कशॉप है ठीक है। देखो बहुत सारी मशीनरियां भी बनने के लिए इधर खड़ी हैं, और इधर ट्राला भी है ठीक है, देखो ट्राला सब खड़ी हैं। इधर वर्कशॉप है, इधर मैकेनिक लोग काम करते हैं, ये वर्कशॉप का ये ऑफिस है सामने वाला ठीक है। पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके पीछे और भी ज़्यादा मशीनरी है जो ख़राब हुई है, उन्हें रिपेयरिंग के लिए लाया गया है।